अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं सब? उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो आप लोग भी सोच रहे होंगे मैं बहुत अरसे से गायब थी और कोई व्लॉग नहीं शूट कर रही थी, क्योंकि एक समझ ले छोटी सी ब्रेक ली थी। व्लॉग शूट किए थे पर लगाने का टाइम नहीं था, यूनिवर्सिटी में बहुत ज़्यादा बिजी थी और पेपर्स हो रहे थे, मेरे थर्ड सेमेस्टर के फाइनल्स चल रहे थे और उसके बाद प्रोजेक्ट्स और क्या नाम है, साथ असाइनमेंट्स और काफ़ी ज़्यादा काम चल रहा था। सो अब जो है थोड़ा टाइम मिला है छुट्टियाँ, तो मैंने सोचा व्लॉग बना लूँ। ये बैठा हुआ है अजगान, यहाँ पर है शयान और पीछे आपको जो बैकग्राउंड में है वो बकरों की आवाज़ें आ रही होंगी। तो आपको पता है ईद परसों ईद है, बड़ी ईद। सो ये है हमारे कुर्बानी के जानवर जो कि हमने रात को ही लिए हैं। एक बकरा हमारा ये है माशाल्लाह, उसके बाद जी एक बकरा हमारा ये है और वहाँ पर है हमारा छोटा सा क्यूट सा छतरा। सो यहाँ पर फुल ज़ोर से बकरा ईद की जो तैयारियाँ हैं और सब चल रहा है। इज आर सो क्यूट छतरा, कितना छोटू सा और प्यारा सा छतरा है। और ये अभी थोड़ी देर पहले आया है। सो ये पहले बहुत इधर भागा फिर रहा था और अब जो है इनके साथ लगता है इसकी काफ़ी दोस्ती हो गई है। सो अब ये इसको इधर बांधा है। हेलो अफगान, छोड़ दो। ला इधर मुझे पकड़ा, चलो मारता है वो। वेलकम बैक टू माई किचन। यहाँ से अब बहुत अच्छी अच्छी और मज़े की रेसिपीज दोबारा आएंगी आप लोगों के लिए। तो और उम्मीद है कि जो व्लॉग्स मैंने बनाए हुए हैं वो भी बैक टू बैक मैं शेयर करूँगी आप लोगों के साथ बारी बारी ईद के बाद जैसे जैसे टाइम मिलेगा, क्योंकि अभी मुझे छुट्टियाँ। और यहाँ पर जी बन रही है चाय, हमारे गेस्ट आए हुए हैं घर पर और आपको दिखाते हैं कि चाय के साथ हमने क्या मंगवाया है। और आमना वो सेट करिए, फिर आपको आमना से भी मिलवाएंगे। तो जी यहाँ पर हमने चाय के साथ जो है ना समोसे मंगवा लिए हैं और समोसे सेट आमना ने कर दिए हैं, साथ सैलड है, चटनी है और रेड सॉस है ये वाली। और इन ये समोसे जो अली जहाँ से लेकर आता है बहुत ही ज़्यादा मज़े के हैं और साथ चाय बन रही है और साथ बिस्किट्स होंगे। सो अब हम इंजॉय करते हैं अपनी चाय और फिर और भी दिखाते हैं रात तक हमारी क्या रूटीन रहती है और न्यू रूटीन आपके साथ शेयर करेंगे कि क्या क्या चल रहा है। यहाँ पे गुगु चीटोस खा रहा है। अच्छे लगते हैं आपको ये अच्छे लगते हैं? हाँ मजे के हैं। तो जी अब हम निकले हुए हैं बाहर, मैं और अलिया यूजुअल लाइन में। तो हमने लेना था खाना, यहाँ पर हम आए हैं गिलगित बल्तिस्तान चाइनीज़ फूड पर। इनका जो खाना है वो बहुत अच्छा है। इनका एक्चुअली में जो था ना एक छोटा सा वो था फूड ट्रक था और उससे इन्होंने बहुत अच्छी, अभी इतना प्यारा व्यू तो नहीं इधर से आ रहा लेकिन शॉप बना ली है, डाइनिंग भी है। सो काफ़ी ज़्यादा मेन्यू है और इनकी क्वांटिटी और प्राइजेस भी बहुत अच्छी हैं और साईवाल में बहुत अच्छा चाइनीज़ है इनका। सो अभी हमने दिया है ऑर्डर, तो आपको घर जाके दिखाऊंगी कि हमने ऑर्डर क्या क्या दिया था, कि इनकी डील्स हैं कुछ। सो बाकी घर जाके आपको बताऊंगी। वैसे इनके वैसे हम अक्सर खाते हैं, इनकी जो टेस्ट है बहुत ही लेवल है। तो फिर दिखाऊंगी क्या क्या लेकर जा रहे हैं और क्वांटिटी भी बहुत अच्छी है। जी यहाँ पर हम जो है अपना खाना लेकर आ चुके हैं और सारा कुछ जो है वो मैंने डिश आउट कर लिया। तकरीबन हमें आधा पौना घंटा लग गया था, हमने एक राउंड शाउंड मारा तब तक हमारा खाना तैयार हो गया था। ये है हमारे पास, इसका नाम मुझे भूल गया था क्योंकि अनी ने ऑर्डर किया था। तो ये है मंगोलियन चिकन,
और ये हमने थोड़े दिन पहले भी, एक डेढ़ हफ्ता पहले खाया था, और इसका टेस्ट इतना मज़े का है कि मैं आपको बता नहीं सकती। जो इसको एक बार खाएगा वह दोबारा ज़रूर इसको खाएगा। और ये हम लोग हाफ लेकर आए हैं, और आप देखें अच्छा भला माशाल्लाह पूरा जो है ना वो बाउल बन चुका है। और यहाँ पर है हमारे पास एलमंड चिकन, ये आज उनकी रिकमेंडेशन पर हम लोग लेकर आए हैं, और ये भी ट्राई करेंगे, देखेंगे इसका क्या टेस्ट है। काफ़ी इसके अंदर आलमंड्स और काफ़ी कुछ है। सो यहाँ पर है चाउमीन, और ये काफ़ी दिन से मेरा दिल कर रहा था खाने को, और बहुत पहले ट्राई किए थे, सो अब तो टेस्ट भूल चुका है, लेकिन ये भी ट्राई करेंगे। सो ये हमारा सारा खाना तैयार है, साथ हमने रोटियां वगैरह ली हैं, सो देखते हैं और अपना खाना इन्जॉय करेंगे। तो जी इन्होंने बाहर काफ़ी इन्जॉय कर लिया था, अब टाइम भी काफ़ी हो गया था, तो अब इन्हें बांध दिया है अंदर। वो देखे क्यूटू को, देखे क्यूटू को, ये शक्ल से बहुत क्यूटू लगता है, पर ये इन दोनों बड़ों को चंगा मारता है। क्यूटू, और ये भी शरीफ सा है। आपने सबसे मिल लिया था, सबसे सलाम दुआ हो गई थी, क्योंकि इतने दिन बाद मिले हैं तो सबसे सलाम दुआ तो बनती है। यहाँ पर है आमना, सो आमना भी आप सबसे, आप सबको सलाम दुआ कर रही है। सो जी अब यहाँ पर ना आपको हम कुछ दिखाने लगे हैं, बेडशीट्स। ईद आपको पता है जैसे कि आने वाली है, सो फिर यही होता है कि घर में हर चीज़ की न्यू प्रिपरेशंस और तैयारियाँ होती हैं कि सब कुछ नया नया हो। सो यहाँ पर हमने ना कुछ जो है वो बेडशीट्स ऑर्डर की हैं, ऑर्डर कह लें या फिर किसी के रेफरेंस से मंगवाई हैं, और बहुत ही रीज़नेबल और अच्छी मिली हैं हमें, और पैकिंग्स भी बड़ी अच्छी हैं, और आप भी बड़ी अच्छी जल्दी गई थी। सो कॉटन में ये बेडशीट्स हैं, सो बारी बारी आपको दिखाते हैं। ये चार बेडशीट्स हैं। सो सबसे पहले है ये ब्लू कलर की एक बेडशीट है, इस पे ऑरेंज थ्रेड से काम हुआ है, और वाइट कलर है साथ में। सो इसको नहीं हम खोलेंगे, आपको जो है ना सारी ईद पर जब जैसे जैसे बेड्स पर डालेंगे तो पूरे सेट करके दिखाएंगे। ये कौन सी है, ये है जी स्किन और वाइट में है, और ऊपर जो है ब्लैक थ्रेड से ना इसके काम हुआ हुआ है। ये भी बड़ी प्यारी है, कलर्स हमने खुद चूज़ करके मंगवाए हैं। और ये है जी पिंक, ये लाइट से कलर की है, पिंक ग्रे और पर्पल से कलर की ये बेडशीट है। सो इस पे भी इसी तरह थ्रेड का काम हुआ हुआ है। और ये है पिंक एंड ग्रीन, ये सबसे प्यारी लग रही है। सो ये आपको खोलकर भी दिखाते हैं और देखते हैं इसका स्टफ और सारा चीज़ें। वाह, पहले वो खोलो ना, पिलोस खोलो पहले। ये इसके सरहाने हैं, कितने ही प्यारा लग रहा है कलर, बहुत अच्छा कलर है, सॉफ्ट सा। और बेडशीट भी हमें खोलो, दो सरहाने हो गए इसके, और ये जो है बेडशीट है। तो बाकी जो है ना आपको हम ये बेड पर सेट करके दिखाएंगे, अभी इतनी सी देख ले। सो बाकी ईद पर सेट करके दिखाएंगे। उम्मीद करते हैं आपको काफ़ी दिनों बाद आज का व्लॉग जो है वो पसंद आया होगा। अब बैक टू बैक कोशिश करूँगी नए व्लॉग्स भी डालूँ, और जो पुराने व्लॉग्स डाले हुए हैं उनको भी सेट करके तो उनको भी अपलोड करूँ। सो स्टे ट्यून्ड, और ताकि मैं मोटिवेटेड रहूँ और नए नए व्लॉग्स डालती रहूँ। मिलेंगे नए व्लॉग में नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, बाय बाय। यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना, शेयर करना मत भूलिएगा।